नमस्कार मेरी माता और मेरी बहनों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं के लिए किस राशि के पुरुष के साथ सबसे अच्छे संबंध बनते हैं, चाहे वो शादी के हो, लव लाइफ के हो, दोस्ती के हो, या पार्टनर बिजनेस के हो, या कैसा भी संबंध हो, यदि इनके साथ ये रिश्ते जोड़ती हैं तो ये बहुत ही प्रगढ़ होते हैं। तो वो राशियां कौन सी है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मेरी माता बहनों, जितनी भी धनु राशि की महिलाएं हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, यदि वो जीवन में अपने मित्र राशियों के साथ संबंध जोड़ती हैं, यानी कि 12 राशियों में से कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो मित्र राशियां होती हैं, उनके साथ आपके रिश्ते जुड़ते हैं, तो वो रिश्ते बहुत ही प्रगढ़ और मजबूत होते हैं। उन्हें कभी भी मनमुटाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी दूर दूर नहीं होते हैं। यदि आपकी संबंध शादी विवाह या प्रेम बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध जुड़ता है शत्रु राशियों के साथ, तो वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। तो इसी पर हम खास टॉपिक लेकर आए हैं और इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि जो धनु राशि की महिलाएं हैं, उनके जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं, और जो पैर होते हैं, इनके जो पाए होते हैं, वो सोने के होते हैं। लेकिन यदि आपका पहला अक्षर इन अक्षरों में से कोई सा मिलता है तो समझो कि आपकी धनु राशि है। जैसे कि ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और भे, ये 9 अक्षर धनु राशि में आते हैं। यदि आपका पहला अक्षर इन अक्षरों से कोई सा मिलता है तो समझो कि आपकी वास्तव में धनु राशि है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि धनु राशि की महिलाओं के संबंध किसी पुरुष के साथ या किसी भी राशि के साथ आपके जुड़ चुके हैं, बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, बाय चांस भविष्य में बन जाते हैं, तो रिश्ते जो चलते हैं वो व्यवहार पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, विश्वास पर चलते हैं, एक दूसरे के सम्मान करते हैं तब चलते हैं, एक दूसरे झूठ नहीं बोलते हैं तब चलते हैं। तो आपका किसी भी राशि के साथ यदि संबंध जुड़ चुका है तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन खास बात यह भी है कि 12 राशियों में से कुछ राशियां ऐसी होती है, यदि उनके साथ आप संबंध जुड़ते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खास हो जाते हैं, सोने में सुहागा हो जाते हैं। तो इसलिए धनु राशि की महिला हो और सिंह राशि का पुरुष हो, यानी कि 12 राशियों में से पुरुषों की सिंह राशि के साथ यदि धनु राशि की महिलाओं के संबंध जुड़ जाते हैं तो ये बहुत ही खास रिश्ता बन जाता है, ऐसे समझो कि जैसे भगवान का संयोग हो। दूसरी बात ये है, यदि स्त्री की भी धनु राशि है और पुरुष की भी धनु राशि है तो ये भी रिश्ता बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ी सी बहस होती है, थोड़ी थोड़ी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, एक दूसरे के दिलों में बहुत प्यार होता है, ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाते हैं, ये रिश्ते भी कभी टूटते नहीं है। तो मेरी माता बहनों, इसी तरीका से मैं आप लोगों के लिए, बहन और माताओं के लिए बहुत इष्टी भविष्यवाणी लेकर आया हूं। अब से आगे आप इस वीडियो को देखकर ध्यान से इस बात पर आप ध्यान रखेंगे और इस पर चलेंगे तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल बन सकता है। यदि आप बिना सोचे किसी के साथ रिश्ता जोड़ती हैं तो उनमें आपको परेशानी आएंगी। यदि आप इस वीडियो को ध्यान में रखकर अपना रिश्ता जोड़ेंगे तो हो सकता है आपका जीवन बहुत खुशहाल बन जाए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी माता बहनों को यहीं पर नमस्कार करता हूं।